हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है चूज़ फॉर्मूला विद ऑप्शन बटन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले से यहाँ पे टाइप कर रखा ऑनलाइन कार्ड और कैश। डेवलपर टैब पे आना है। डेवलपर टैब पे आने के बाद इंसर्ट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन बटन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन बटन पे सेलेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक बटन लेना है। इस पर जो भी टैक्स होगा उसको आप डिलीट कर दीजिए आप। और उसके बाद आपको यही जो बटन है सब पे बनाना है। तो आप इसको कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हैं या आप कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे तीन बटन हमारे पास आ जाएंगे। तीन बटन लगाने हैं इस तरह से। तो हमने फ़िलहाल अभी तीन बटन लगा लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास मोड और पेमेंट है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और जो भी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि चेंज भी होता रहे वो। तो यानी कि जो भी हमारे पास मोड और पेमेंट है उस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे पास बन चुका है ये। अब फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना है। फॉर्मेट कंट्रोल पे जाने पर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसका सेल लिंक पे जाना है। सेल लिंक पे आप जाके जो सीट के सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ देखिए तो यहाँ पे जैसे वो थ्री और ये सेल नंबर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मोड ऑफ पेमेंट रखेंगे और जो भी क्लिक करेंगे तो वो सारा का सारा वहाँ पे टेबल पे शो होगा। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, चूज़ का फॉर्मूला लगाना है। इक्वल चूज़ टाइप करेंगे और यहाँ पर हमें लगाना है ब्रैकेट, ब्रैकेट बाद इंडेक्स नंबर, उसके बाद हमें लगाना है कॉमा, कॉमा के बाद वैल्यू। वैल्यू जो है हमें यहाँ पर डबल कोट में देनी है। डबल कोट में हमने यहाँ पे लिखा ऑनलाइन, डबल कोट कॉमा, फिर डबल कोट में कार्ड, जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया है उसी को हम यहाँ पे टाइप करते रहेंगे। फिर हमने लिखा यहाँ पे कैश, कैश के बाद फिर ब्रैकेट टाइप करना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जब कार्ड पे क्लिक करेंगे तो कार्ड आएगा, कैश पे क्लिक करेंगे कैश आएगा, ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन आएगा। थैंक यू।